सिटी ऑफ बप्पा। इस जगह को सिटी ऑफ बप्पा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इस जगह को सिटी ऑफ बप्पा क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। भीड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसे गणपत फेस्टिवल या फिर ये कहें गणेश पूजा मनाया जा रहा है। और ऐसी भीड़ आपको केवल कहाँ देखने को मिलेगी, ऐसी भीड़ केवल मुंबई में। और अगर आपको ऐसी सेम भीड़ दूसरे स्टेट में देखना है तो आपको कोलकाता जाना पड़ेगा। उस समय मतलब दुर्गा पूजा के समय कोलकाता में भी ऐसी भीड़ होती है। तो इस जगह को इसी कारण से मतलब गणेश पूजा यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और एक साल नहीं बल्कि हर साल। और ऐसे ही सब लोग अपना काम धाम छोड़ के गणेश फेस्टिवल में समर्पित हो जाते हैं और शामिल हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो गणेश भगवान हैं, एक ये और दूसरी ये जो साथ में बैठी हुई आंटी जी हैं। तो ये गाड़ी लगता है ढो नहीं पाएगी, वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएगी। कहाँ तक, विसर्जन के लिए। अभी गणपत विसर्जन चल रहा है, और जैसा कि 2024 में आप लोगों को पता होगा कि गणेश विसर्जन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप लोग भी मुंबई अगर आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, अगर मुंबई में है तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। छोटू एक मुझे भी देता। हाँ, पहले इस छोटू से कुछ खा लेते हैं सो दैट एनर्जी मिल जाए, और आगे चल के आपको बहुत कुछ दिखाता हूँ। अभी तो केवल ट्रेलर था, पूरी फिल्म बची है। ये छोटू ने तैयार कर दिया ज़बरदस्त आइटम्स, और इस गर्मी में यही जान में जान लाएगा। और ये देखो यहाँ पर ये सब लोग गणेश पूजा का विसर्जन या फिर ये कहें गणेश को विसर्जित करने के लिए ले जा रहे हैं। और अभी मैं वहाँ पे चलूँगा जहाँ पे विसर्जन करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब दो गुना से चार गुना धीरे धीरे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे टाइम आ रहा है आप देख सकते हैं आंटी अंकल बच्चे सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और पुलिस भी लगी है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे होली जैसा माहौल बन गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखो सभी इंजॉय कर रहे हैं गणेश विसर्जन 2024 को, या फिर एक गणेश फेस्टिवल 2024 को। तो यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे देखो कितने छोटे से गणेश जी। तो यहाँ पर चाहे जो भी हो अपने अपने गणेश भगवान लेके आते हैं। यहाँ पे छोटे बड़े, छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े तक आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग घूर घूर के देख रहे हैं। भाई एक और चाहिए। थैंक यू। लड्डू सड्डू खाने के बाद, इन बच्चों को देखने के बाद, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, आगे की तरफ। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महिलाओं का ग्रुप भी इकट्ठा हो गया है, और ये लोग भी अपना गणेश भगवान लेके आए हैं, क्योंकि गणपत फेस्टिवल 2024 चल रहा है। और मुंबई का ऐसा नज़ारा आज तक मैंने नहीं देखा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ मुंबई, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ मुंबई, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ मुंबई, बेस्ट प्लेसेज इन मुंबई, टूरिस्ट प्लेसेज इन मुंबई, या फिर ये कहें मुंबई फेमस प्लेसेज मुंबई, टूरिस्ट प्लेसेज मुंबई, विजिटिंग प्लेसेज, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। और मुंबई के ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कुछ लोग भी मेरे कैमरे की तरफ घूर घूर के मेरा कैमरा तोड़ देंगे लग रहा है ऐसा, लेकिन लोग आगे बढ़ते हैं। लड्डू सड्डू तो फेंक गए यार कुछ।
अब हमें इस भीड़ से आगे चलना पड़ेगा और कहाँ पर विसर्जन स्थल की तरफ चलना पड़ेगा। यहाँ पे एक समुद्र है पास में, मतलब मैरीन ड्राइव से कनेक्टेड है। एरिया का नाम तो मुझे नहीं पता, बट मैं वहाँ पे चल रहा हूँ और वहीं पे ये लोग विसर्जन करेंगे। अब यहाँ से पुलिस रोक रही है, उस साइड पुलिस लोग रोक रही थी और इस साइड ये महिलाएं और पुलिस दोनों रोक रहे हैं। तो अब क्या करें, अब ये लोग भी इधर जाने नहीं दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इस रास्ते से जाओ, ये साइड में जो है ये देखो। तो अब हमें यहाँ से भी रास्ता चेंज करना पड़ेगा। लगभग 2 किलोमीटर था जहाँ से हम लोग खड़े थे, लेकिन अभी हम लोग घुमा रहे हैं, लगभग 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए अब घूम कर ही चलता हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जल्दी से रोड पार कर लेते हैं क्योंकि बहुत स्पीड में बसें जन कार चल रही हैं और यहाँ पे पुलिस वाली मोहतरमा भी मना कर रही हैं। अब क्या करें यार, सब लोग कोई मना ही कर रहा है। इनसे बहुत कुछ रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद ये नहीं मानी, तो आखिरकार हम लोगों को यहाँ से भी वापस जाना पड़ रहा है, फिर से कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। अब क्या करें, ये भी बहुत फ्रेंडली थी लेकिन ये भी मना कर रही हैं। अब कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं है, तो हम लोगों को साइड से देखना पड़ेगा। चलिए और आगे चलते हैं और आगे चल के दिखाता हूँ। और कुछ लोग को कैमरा तोड़ने के चक्कर में है, मेरा कैमरा तोड़ देंगे लग रहा है ऐसा, देख देख के घूर घूर के, लेकिन कैमरा टूटेगा नहीं। हम लोग और आगे चलते हैं, मुंबई की महाफेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आंटी अंकल लोग ऊपर चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, सोच सकते हैं आप यहाँ से। ये देखो अभी विसर्जन स्थल पर हम लोग पहुँच गए हैं और आज गणपति का क्या है, विसर्जन है और इसीलिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। कुछ दिख रहा है क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन यार, कुछ दिख रहा है, चलो आगे। यहाँ से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मार्केटिंग कर दी गई है और यहाँ पर पूरा यहाँ पे रोक दिया गया है पब्लिक, जिससे आगे ना जाए। यहाँ पे पब्लिक देखो झांक रहे हैं, नीचे से ऊपर से आगे से पीछे से, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चल रहा है, एयरफोर्स का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। एयरफोर्स वाले यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं या फिर सुरक्षा के लिए लगे हैं, कुछ पता नहीं किस लिए है। बट यहाँ से और वही विसर्जन स्थल है, सब लोग देखने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि उन्हें ही लाव है केवल जो विसर्जन करने जा रहे हैं, जिनके साथ गणेश है। और कुछ गणेश वाली जो टोली होती है उसे भी रिटर्न कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा के लिए स्पेशली लगा हुआ है क्योंकि छोटी छोटी बोट्स हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से माहौल आप देख सकते हैं, तो अभी हम लोग हैं सिटी ऑफ बप्पा में और सिटी ऑफ बप्पा में बहुत सारे अजीब अजीब लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये कैमरे को तोड़ने वाले हैं और कैमरा टूट जाएगा लग रहा है, लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। तो सिटी ऑफ बप्पा मुंबई को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गणपत फेस्टिवल ऐसे ही मनाया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हम लोग विसर्जन स्थल के जस्ट पास पहुँच गए हैं। ओके चलो आगे, छोटे देखो छोटे देखो। यहाँ पर एक नहीं बल्कि हजारों गणपति या फिर एक बोल सकते हैं कि गणेश भगवान की स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग हाय बाय करते हुए दिखेंगे, कैमरे को तोड़ते हुए कैमरे को देखते हुए दिखेंगे और कुछ लोग आगे चलते हैं हम लोग। और आगे यहाँ पे ये देखो इनका ग्रुप, छोटा गणपति नीचे आगे वैक्सीन लो गणपति का।
अभी फिर से और आगे बढ़ते हैं और घूरते हैं और आगे करके आपको दिखाता हूँ कि और क्या चल रहा है आगे। ये छोटे छोटे भगवान, गणेश भगवान की स्टैचू छोटे से लेके बड़े तक आपको देखने को मिलेगी। और यही एक लाइन है, इन लोगों को तो रिटर्न किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। तो ऐसा भी हो सकता है विसर्जन भी करने नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ लोग ले जाके वापस ले जा रहे हैं, कुछ लोग विसर्जन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले से परमिशन ले रखी है, कुछ लोगों ने नहीं लिया है। जिन लोगों ने परमिशन नहीं लिया पहले से, उनको क्या किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है। अभी हम लोग दूसरी गली में पहुंच गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एक बस आई है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, बस बिल्कुल सजी हुई है फूलों से ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि गणपत फेस्टिवल 2024 चल रहा है। 2024 का माहौल अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पर गणेश फेस्टिवल ऐसे ही मनाया जाता है, कहाँ पर, मुंबई में, मतलब सिटी ऑफ पप्पा में। और यहाँ का माहौल देखते ही बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बस वाले में भीड़, और बस वालों के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए भी लोग तैयार हैं। बस वालों से नहीं, स्पेशली बस से, कि कितनी बस सजी हुई है। तो यहाँ पर अभी माहौल बंद नहीं हुआ है, अभी ऐसे चलता ही रहेगा फिलहाल। हम लोग और कुछ देर वेट करते हैं और इन भीड़ में और अपॉर्चुनिटीज क्या करते हैं, तलाशते हैं, और अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए तलाशते हैं कि और गणेश भगवान आए। ये देखो, कोई लोग अपने ठेले में ही ले जा रहे हैं, कोई कैसे भी ले जा रहे हैं। तो ये गणपत फेस्टिवल 2024 का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।